परंतु उन कठिनाइयों को या तो मैं रोते रहती, दो ही रास्ते होते हैं ना, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या लड़िए उससे। तो अंत में मैंने यही सोचा कि ये तो बेकार बात है, लड़ो धीरे धीरे। सरकार के लिए भी यही होना चाहिए, बिल्कुल, पत्रकारिता के प्रोफेशन में लड़े, या हाँ बिल्कुल, और सच के लिए करें। और क्योंकि ये तो फैक्ट है कि अगर आप आज झूठ बोलेंगे, 3 दिन बाद आप यही भूल जाएंगे कि आपने क्या झूठ बोला था। तो इसलिए बेहतर है कि आप झूठ बोले ही नहीं, सच बोलिए। ये ठीक है, घुमा फिरा के बोल सकते हैं अगर आप डरते हैं कि आपको साफ सच नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज का युग ऐसा युग है कि अगर आप बिल्कुल सच बात बोल देंगे किसी को, हो सकता है ऐसे भी बच्चे हैं जो जेब में से कुछ निकाल के और उसी वक्त मार देंगे आपको। सो इसलिए थोड़ा टैक्टफुल होकर बोलिए और आगे बढ़ते जाइए। सेकंड थिंग इज, अपने बारे में कभी ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। अगर हम ये सोचने लगेंगे कि हम कुछ नहीं हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते ज़िंदगी में। देखिए, मैंने इतने साल ज़िंदगी के बिताए, बहुत बहुत मुश्किलों से बिताए, लेकिन अगर मुश्किल को मुश्किल ना सोचा जाए तो वो अपने आप सही हो जाती है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ, क्योंकि भगवान हमारे ही अंदर है। अगर मैं कृष्ण जी का नाम लूँ, राम जी की पूजा करूँ, उससे क्या फ़ायदा, वो तो मूर्ति वहीं रह जाएगी ना मंदिर में। पर अगर मैं सोचूँ कि मेरे भीतर भी मंदिर है, भीतर ही भगवान है, तो कोई कठिनाई नहीं आती। और दूसरी बात, जीभ पर 2 चीज़ों के लिए हमेशा काबू रखना चाहिए, जब हम बोलें सोच के बोलें, और दूसरी क्या, यस करेक्ट, ताकि बीमारी ना आए, ताकि इस उम्र में भी प्रभु की कृपा से मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना हार्ट की, ना शुगर की, ना होती है ना लोगों को, कोई बीमारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ एक लड्डू खाती हूँ। मैम, आपके तजुर्बे के अनुसार मैं, हाँ जी, एक आपके दौर में पत्रकारिता को एक अलग ही रुख था, और आप जो बदल गए, आपके टाइम में कुछ बदला सकते? हाँ बिल्कुल, बदला मेरे ज़माने में तो पत्र में कहना चाहिए कि एड्स होते ही नहीं थे। आज के ज़माने में बहुत सारे एड्स होते हैं, और वो एड्स होने से बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान मिलता है, पर बहुत सारी चीज़ों का गलत ज्ञान भी मिलता है। सो वो आपको अपने आप देखना पड़ेगा कि कौन सा गलत है, कौन सा सही। उस समय के पत्रकारिता में सच्चाई थी, और हाँ बिल्कुल, बहुत गोलमोल है, बिल्कुल एकदम। मैं सोचती हूँ वो पत्र ज़्यादा पढ़ने लायक थे, अब कुछ चीज़ें उनमें पढ़ने लायक होती हैं, सारा नहीं, बहुत सी चीज़ें उसमें गलत भी होती हैं, ऐसा मैं